गोदना डकैती कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 6 आरोपी गिरफ्तार। रविवार को सतवास तहसील के काटाफोड़ थाना पुलिस ने गोदना डकैती कांड का खुलासा कर दिया है और बताया कि हमने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही डकैती का माल भी जब्त किया है और शेष अन्य आरोपी की शीघ्र ही गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। दरअसल बीते दिनों 10 अक्टूबर को थाना कांडा फोड़ में फरियादी संतोष पिता हरि प्रसाद राठौर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि रात के 1 बजे से 1:30 बजे तक के बीच मेरे घर के मेन गेट का दरवाजा तोड़ने की आवाज आई और जैसे ही मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि 5 बदमाश मेरे पलंग के पास डंडा पत्थर लेकर खड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मेरी पत्नी तथा माँ के साथ भी मारपीट की और बाहर खड़े इनके 3 से 4 साथियों ने भी बाहर से पत्थर फेंक कर मारना चालू कर दिया। अंदर मौजूद बदमाश घर का गेट खोलकर अंदर घुसे और अंदर का सामान इधर उधर फेंकने लगे। घर में पलंग, पेटी तथा अलमारी में रखे हुए नकदी और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। सूचना पर थाना कांटाफोड़ पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपियों की शीघ्र ही तलाश के लिए टीम रवाना की और अलग अलग स्थानों से टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें डकैती वाला मामला है जिसमें अभी 6 आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और जेल भिजवाया है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि 10-10-24 की बात है, करीबन अष्टमी नवमी की बात होगी। अष्टमी नवमी की दरमियानी रात है, 11 से 1 बजे। सूचनाकर्ता संतोष ने बताया कि उस दौरान करीबन 10 से 15 लोग अज्ञात व्यक्ति उनके घर पर आए, जिनमें से 5-6 लोग घर के अंदर घुस गए। उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करके उनके सोना चांदी और पैसे वगैरह लूटपाट करके ले गए हैं और गांव के लोगों पर पथराव भी किया था, जिससे हम लोगों ने थाने पे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की थी। विवेचना के दौरान तकनीकी माध्यम और फुटेज के आधार पे हम लोगों ने संदेही शंकर को उठाया था, जिसने पूछताछ करके बताया था कि बागली के ही कोई संतोष नायक नाम का व्यक्ति है। वो मेरे पास आया था, उसने ये सूचना दी थी कि संतोष के घर पे कुछ 30 लाख के करीबन माल रखा है और सोना चांदी जेवर रखे हुए हैं। संतोष शंकर के की सूचना पर संतोष को हमने बड़ोत्था से उठाया था, फिर उससे पूछताछ करके बताया था कि उसने बागली की कोई परिचित है अजय करके, उसने जानकारी दी थी कि फला फला व्यक्ति ने वहां पर पैसे वैसे रखे हुए हैं। अजय को उठाने पे जानकारी लगी कि ग्राम गोदना का ही है सुरेश चंद, जिसने उसको सूचना दी थी कि संतोष के घर पे करीबन 30 लाख और सोना चांदी के जेवरात रखे हैं, जिसके आधार पे सभी आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके जेल भी। कितना आरोपी है? अभी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 5-6 या 8 और भी हो सकते हैं, उनकी गिरफ्तारी होना शेष है। ये मध्य प्रदेश से ही गिरफ्तार करें या अपने प्रदेश से भी? हमने अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है, एक दो को महाराष्ट्र से लेके आए हैं, बाकी दाटांडे के भी लोग हैं, बागली से भी गिरफ्तार किया है लोगों को। इसमें मुख्य कारण उन्हीं के गांव का है, सुरेश, उनका पहले संबंध अच्छे थे लेकिन कुछ लेन देन की बात को लेकर उन्होंने ईर्ष्या रखी थी, जिसके कारण से उन्होंने थोड़ा सा माल बरामद हुआ है, बाकी अन्य आरोपी गिरफ्तारी शेष होने से माल बरामद होना शेष है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयती उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।